रहीम पर जैसी खुद में नहीं आया मैं। हेलो, नाइस टू मीट यू। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और अभी मेरी क्लास थी 9:30। मेरे घर से मेरी यूनिवर्सिटी का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट कोई 45 मिनट्स है। तो 9:30 की क्लास थी और अभी 9:28 या 29 हो रहे हैं, तो जिसका मतलब ये कि आज भी हम क्लास के लिए लेट हैं। मेरे पास मोबाइल होल्डर नहीं है, इसलिए थोड़ा सा शेकी होगा कैमरा। खैर, इट्स ओके। तो जी, एक छोटा सा काम था बैंक में जिसकी वजह से मैं लेट हो गया, और क्योंकि आज फीस की डेडलाइन है मेरी और मैं टाइम पे फीस सबमिट नहीं करा सका किसी वजह से, और हमने डेट फीस की एक्सटेंड करवाई थी, और वो एक्सटेंड करवाने के बाद आज लास्ट डेट थी। तो अगर आज भी हम फीस सबमिट नहीं कराते तो हमें यूनिवर्सिटी से अनएनरोल कर दिया जाता। तो यूनिवर्सिटी के 3 सालों में पहली दफ़ा आपका भाई आज शॉर्ट्स पहन के जा रहा है। उसकी वजह ये कि आज थोड़ा सा मैं सुस्त था कि यार चलो कुछ चेंज करते हैं, आज कुछ चेंज पहन के जाते हैं। अब खैर, और कुछ था नहीं है सच पहनने के लिए जो कि फ़ौरन से रेडी होता, तो आपके भाई ने शॉर्ट्स ही पहन लिया। और लोग गाड़ी पे आज यूनिवर्सिटी जाने का या कहीं भी जाने का बड़ा मसला है। आपको कहीं भी जाने के लिए एक्स्ट्रा 22-25 मिनट्स चाहिए, मतलब आपके पास टाइम का इतना मार्जिन होना चाहिए। अब मेरे घर से मेरी यूनिवर्सिटी का रास्ता जिस तरह 45 मिनट्स है, तो मैं घर से कोशिश करता हूँ कि मैं कोई 20-25 मिनट पहले निकलूँ, ताकि क्योंकि वो जो 45 मिनट्स का रास्ता है ना, वो 1 घंटे से ऊपर चला जाता है लोग गाड़ी पे। उसकी वजह यह कि हर जगह से देख के गुजरना पड़ता है। और जी बस जी यही है जी। तो जी अभी हमें जाना है, लेफ्ट सिग्नल हो गया है बंद, लेकिन कोई बात नहीं, पीछे देखते हुए हम ओके शिट। खैर कोई बात नहीं, ये जब आपने लो गाड़ी रखी हो ना, फिर आपका दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि ये हल्की फुल्की गाड़ी नीचे लगने से ना आपको फ़र्क नहीं पड़े। वो जिस तरह एक हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है ना, वो उसने इतनी डेड बॉडीज देख ली होती हैं कि एक टाइम पे उसको डेड बॉडीज देख के ना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा होता उस तरह से, जिस तरह एक नॉर्मल हमारे जैसे बंदे को फ़र्क पड़ता है। तो ये वो हिसाब है कि इतनी गाड़ी नीचे से लग चुकी है कि अब ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अक्सर मेरे दोस्त मेरे साथ बैठते हैं तो वो मुझे कह रहे थे, यार गाड़ी तो बेड़ा गर्क हो रहा है गाड़ी का नीचे से, तुम्हें कुछ नहीं हो रहा। तो बस होता है, इतना नहीं होता जितना उनको होता है। लेट्स गो टू यूनिवर्सिटी। जब मतलब मुझे होता है ना कि बहुत जल्दी होती है, उसी टाइम पे सारे काम जो हैं वो ख़राब हो रहे होते हैं। तो ये शायद नॉर्मल है, या मेरे साथ इस तरह होता है कि जब भी मुझे कोई काम होता है, जल्दी कहीं जाना होता है, तो मैं किसी ना किसी मसले में फंस जाता हूँ। तो जी अब क्या किया जाए, अब फ्यूल पम्प का इंतज़ार किया जाए और थोड़ी सी दुआएँ की जाएँ कि हम फ्यूल पम्प तक पहुँच जाएँ। वट इज़ दिस बिहेवियर अली रज़ा। के बाद रात को मैंने अपने पुराने व्लॉग देखे, फिर मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिली। मैंने कहा यार अच्छा चलो ठीक थी व्लॉगिंग करते थे हम, इतनी भी बुरी नहीं थी, तो हम कोशिश करते हैं दोबारा से करने की। और मेरे साथ जो एक बैड लक हुआ है वो ये हुआ है कि यार मेरी जो मोनेटाइजेशन थी वो ऑलमोस्ट ऑन होने वाली थी, क्योंकि मेरे वॉचर्स जो थे वो तकरीबन 4000 रिक्वायर्ड होते हैं आपको मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए, तो मेरे 3800 हो गए थे। लेकिन फिर आपके भाई ने ऐसी सुस्ती का मुजाहरा किया कि वो सारी जो मेहनत थी ना वो ज़ाया हो गई, क्योंकि ये वॉचर्स जो हैं वो आपको 1 साल के अंदर पूरे करने होते हैं, और आपके भाई का वो 1 साल जो है ना वो 200-300 मिनट्स के पहले ही ख़त्म हो गया। तो कोई बात नहीं, चलता है, हम फिर से मेहनत करेंगे। हम खुद को क्या कहेंगे, हम पता नहीं यार, समझ आए आप कि हम खुद को क्या, व्हाट द फक ब्रो। खैर है कोई बात नहीं, और हम इतने लाइक तो हैं नहीं कि स्कॉलरशिप लगे हमारी, लेकिन खैर इतने पैसे हमने 6 महीने पहले देखे थे, क्योंकि 6 महीने पहले भी फीस सबमिट कराई थी और 6 महीने का पता ही नहीं चलता, 6 महीने भी पूरे नहीं होते एक्चुअल में,
साढ़े चार महीने कुछ इस तरह से होता है सीन, प्रोज एंड होज सॉरी ते पाइन हुन किधर चलिए की करिए यार। यूनिवर्सिटी से वापसी पे मेरी ये हालत होती है कि मैं सोच रहा हूँ कोई नेक अल्लाह का बंदा मेरी गाड़ी चला के मुझे वापस जो है वो घर तक छोड़ दे। लेकिन एक ये भी मसला है ना कि लो गाड़ी अब मैं हर किसी को दे भी नहीं सकता क्योंकि हर कोई चला भी नहीं सकता। मुझे तो आइडिया है कि मुझे गाड़ी ये कहाँ से किस तरह से गुजारनी है। हर बंदे को अपनी गाड़ी का आइडिया होता है और अगर ये मैं किसी और को दूंगा तो ऑब्वियसली वो उस तरह से शायद ना चला सके जिस तरह से मैं चलाता हूँ। वाह मतलब आज मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी है, अगर आपको मैं कैसे समझाऊँ इतनी जल्दी है मुझे, क्योंकि मेरी सिर्फ दो क्लासेस हैं आज और अगर वो भी मैं ना ले सका तो क्या फ़ायदा मुझे इतना दूर जाने का। क्या करें हम बॉस, पेट्रोल भी डलवाना है। व्हाट इज़ दिस ब्रो, माशाल्लाह आ गया ओए होए होए, इतने पैसे होने के बाद तो फिर बंदे का दिल करता है टैंक फुल ही करा ले। लेकिन हम फिर भी भाई 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाएंगे, गरीब बंदे यू नो काम पहले ही नहीं मिलता ब्रो। व्हाट इज पेट्रोल कितों पूरा करिए, कितों दसो मैनू इमरान खान, तेनु अल्लाह दा वास्ते पेट्रोल सस्ता कर दे, बाकी जो तेरा दिल करे वो कर, करप्शन कर, नवाज शरीफ नू फट, जो तेरा दिल कर दे कर, सिर्फ एक गरीबा से पेट्रोल सस्ता कर दे, तेरी बहुत मेहरबानी। अरे यार करोला ले भाई, एक मिनट यार, एक मिनट प्लीज 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 प्लीज, थैंक यू यार। मतलब 1000 रुपये के पेट्रोल के अंदर ब्रदर सिस्टर्स रिजर्व भी ख़त्म नहीं हुआ यार, क्या करूँ मैं। ये मेरा वन साइड का मतलब वन साइड का नहीं, एक दिन का पेट्रोल है मेरे घर से मेरी यूनिवर्सिटी का। टू मच एक्सपेंसिवनेस ब्रो, वेरी मच। हम नहीं पहुंच सकेंगे, सर को जाके कोई रिक्वेस्ट करेंगे, सर जी ट्रैफिक बहुत था, प्लीज़ मार्क्स मी प्रेजेंट। तो अगर उन्होंने कर दिया तो हम उनको दुआएं देंगे, अगर नहीं किया तो फिर भी दुआएं देंगे। दूसरा मसला पता है क्या, एक तो ऐसी कोई डिफॉल्टर गाड़ी है मेरी कि मुझे ना पुलिस वालों से बच के जाना पड़ता है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई चोर शोर हूँ, लेकिन सीन ये है कि यार फिर वो टाइम वेस्ट होता है ना, वेरी बैड सीन्स। और आज तो वैसे ही सितारे मेरे गर्दिश में हैं, मुझे लग रहा है जो काम नहीं भी होना ना वो भी आज ही होगा। मेरी गाड़ी बेसिकली कोयलोवर्स पे लो है, और कोयलोवर्स पे लो का मतलब है कि गाड़ी में इतने ज़्यादा स्पीड बम्प्स नहीं है जितने लोगों ने स्प्रिंग कटवा के गाड़ी लोगी होती है, वो तो वैसे गाड़ी का वैसे ही ना बेड़ा गर्क कर देते हैं सस्पेंशन का। कोयलोवर्स भी करते हैं टू सम एक्सटेंट, लेकिन इतना नहीं करते कि बेयरेबल है। ये पीछे करोला वाले भाई हैं, इनको कोई लगता है इनकी क्लास मेरे से भी ज़्यादा लेट हो चुकी है, मतलब इनको मेरे से भी ज़्यादा जल्दी है। हाँ जी सर, सर प्लीज़ सर, रेड कारपेट बिछा रहा हूँ मैं आपके लिए, प्लीज़ सर सर। ओहो तुसी लग जाओ साड़ी खैर है बस। और ये हमारे पीछे एक अदद यंग किंग आ रहे हैं, यंग किंग फ्रॉम BNU। और ये हमको मियाँ जी मिल गए हैं, हेलो मियाँ जी। अभी हम यहाँ से निकलवाएंगे अपना फी चलान, फिर हम करवाएंगे यहाँ पे जवान। हेलो जी, फीस सबमिट हो गई है, अब हम जा रहे हैं कैफे कुछ खाने के लिए। मेरी बहन मुझे क्या खिला रही है आज? बहन ने सारे पैसे फीस पे लगा दिए हैं, आज भाई खिलाएगा। भाई ने भी सारी फीस दे दी है। भाई मेरा अमीर इंसान है, गरीब इंसान है तुम्हारा भाई, कसम से आज सारे पैसे दे दिए, जेब खाली हो गई है। 1100 रुपया फाइन दिया, 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाया सुबह, और जो बचे थे वो फीस में दे दिए। अभी 2000 रुपये का खाना खिलाएगा, वो भी ऐड करा दे। 2000 देखिए भी जमाना हो गया। तो ये हमारा कैफेटेरिया सामने, जहाँ पे कोई काम की चीज़ नहीं मिलती। हेलो गिना जी, क्या चॉकलेट? कौन सी चॉकलेट? गरीब हो गया, पेट्रोल डलवा लिया सुबह। पेट्रोल डलवाया, महंगा हो गया। व्लॉगिंग यार, थोड़ी सी मोटिवेशन ली मैंने, कहा यार व्लॉगिंग कुछ तो करें। और बताओ फिर यार, अपने आप को देखो, हाउ वाज योर प्लान? ऐसे हां परफेक्ट। अब गाना सुनाओ।
गाना तो तुम सुनाओ, गाना सुनाओ। चलो मैंने इसलिए थोड़ी कहा था तुम्हें गाना सुनाओ कि मैं खुद गाना सुनाऊं। डेरा सौगात जाओ कवाली नाइट पे। हाँ, कवाली नाइट इतनी फारिग हो रही है वहाँ पे गर्मी में। गर्मी देखो तुम, पूरी यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट खाली है, तो रात को भी बेटा, रात को भी गर्मी होती है। यू आर लुकिंग गुड एज ऑलवेज। यार वो फिजान वगैरह किधर है? फिजान से मैं अभी तक मिली नहीं, जोहेब आया हुआ है उससे मैं मिली हूँ। चलो जल्दी से दो दो लाइनें सुनाओ जल्दी से, ये ना जल्दी कोई गाना बताओ जल्दी, मेरे दिमाग में कोई नहीं आ रहा। वो अखियां नु रहन दे, अखियां दे कोल हैं वो क्यूबी का, क्यूबी का कौन सा? नु रहन दे नहीं आता तुम्हें, ये गाना नहीं आता कसम से। व्हाट इज, चलो कोई भी सुना दो फिर, कोई अच्छा सा गाना जो तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया, मैं मरते गईया फिर सा क्यों आया, जगनू रवाया मैं तेनू हसाया, फिर भी पल्ले कुछ नहीं आया, तेरी आदा सहारे मैं जीते लवांगी, ऐ जहर जुदाई दा पीते लवांगी, इक गम तू सी देता सो गम आप पाले। भूल गया। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। अंजू भाई कैसे हैं आप? हाय हाय। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, हेलो। तो एक साल से चल रहे हैं प्रोजेक्ट, तो देखते हैं। इंस्पेक्टर बुल्ला बुल्ला Khawati, hello, aake aa jaye, nobody's gonna bite you baby, come। यार हीम आ गया, शोर करो। ओए शोर करो, आया ही नहीं अभी। वो जा रहा है, वो देखो ब्लू शर्ट में, वो नहीं है, वही है। अब तो शोर बनता है यार, आ गया वो। नहीं आया, आ गया वो देखो। नहीं आया। अब आया भी ना तो मैं चुप करके ऐसे बैठी रहूंगा। चलो देखते हैं बुल्ला। मुइस कैसे हैं यार? वो आ गया, रहीम आ गया। वो देखो, वो कैपल है। रहीम पर देसी खुद में नहीं आया मैं। हेलो, नाइस टू मीट यू जेम्स सर। फिल्म की हीरोइन तालियां। Here's the team, and so many of them are one of you.
Here's Ryan Pardesi, the great Ryan Pardesi. Then of course, here's the director. Director saab ke ghar gum ho gaye. Aage tashreef laiye. Tashreef laiye. Vakas Irfan saab. सर, थाना गुलाब टाउन में एक नया इंस्पेक्टर आया है। इंस्पेक्टर बुल्ला क्या चाहता है? पता नहीं सर, ये तो वो मिलकर ही बताएगा। ठीक है, बुलाओ उसे। नाम है इंस्पेक्टर बुल्ला। ठोकता हूं खुल्लम खुल्ला। आय हाय 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 हाय, क्या राइम मारा है। आपको किसने कहा कि मैं ईमानदारी का बाजा बजाने आया हूं? ये ऊंचे लेवल की बातें हैं सर, हम छोटे लोग इन बातों में नहीं पड़ते हैं। इन्फॉर्मर बन जा मेरा। किस्मत नहीं बेटा, पैसा। पैसा किस्मत भी खोल देता है। आइए 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 बुला जी। इम्तिहान में डाल दिया, अगर पास हो गया तो कदम मिला लेंगे। और शाह जी की गोली छोली चलानी है तो बताइए। हमारे गरीब खाने ना जी, कंजर खाना कहिए, कंजर खाना। इंसानियत नहीं मरी, उसे तुम जैसे लोग कत्ल कर रहे हो। नहीं लगता तुम्हें? सच पूछे तो नहीं।